प्रेजेंस बारानी रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय कर्शी हमें आपके साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर आप हमें जाकर देख सकते हैं। उर्दू फ्लिक्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने कोई भी फेवरेट सेगमेंट तक आज आदि और फैजान आए हुए हैं। आज बड़ी रौनक हो रही है और अच्छा अच्छा रोजा जो है वो गुजरेगा इंशाल्लाह। आज का दिन ही खुशी का भी है, आज का दिन सेलिब्रेशन का भी है क्योंकि यौम बदर भी है, तो हम लोग क्यों ना पॉजिटिविटी के साथ। मैं इन दोनों के बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ, उससे पहले मैं जलाल भाई के पास जाऊँ और किचन में माशाल्लाह ये सारे मसाले जो उनके कुटे हुए होते हैं, उनके कोशिश करते हैं कुटे हुए हो हर चीज़, क्योंकि उसका जो जायका और उसकी खुशबू होती है बिल्कुल अलग होती है। इन दोनों की सबसे अच्छी बात जो है, एक तो अपार्ट के ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये मेरी जान है दोनों, एंड आई लव देम टू माई सोल टू द कोर, बट आज के फी जमाना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना इतना बड़ा सवाब है, इतनी बड़ी नेकी है। क्या बात है। रमजान का मैसेज एक दूसरे के लिए सोचना है, रमजान का मैसेज एक दूसरे का ख्याल करना है, रमजान का मैसेज है कि आप इंसान अच्छे बने, रमजान का मैसेज है तो इंसान अच्छे बनेंगे तो मुसलमान बनेंगे। अगर आप एक दूसरे मुसलमान भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं इससे बड़ी नेकी क्या है? क्या बात है। इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती। इस पर बैंड था? नहीं था। मुझे क्यों आज लग रहा है आज बैंड होना चाहिए था। हाँ मैं देख रहा हूँ कम होते जा रहे हैं हर सेगमेंट में, भाग रहे हैं डर डर के। वो इसलिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अच्छा जलाल भाई बड़े मजे मजे की चीजें बना रहे हैं, पूछ लो जल्दी से। हाँ जलाल भाई बताए क्या बना रहे हैं। उनसे अफसोस करना चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ कर लो, क्योंकि पिछली बार लास्ट शो में इनका हाथ जला था, देखिए इनका हाथ काला हो गया है। अच्छा तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की और माशाल्लाह माशाल्लाह जब से फैजान भाई और आदि भाई आए सभी हंस रहे हैं और सभी मुस्कुरा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना कमाएंगे, अमीर हो गए फिर भी कहता है गरीब। हम दोनों के हिस्से में आ जाए ये सब, यही क्या क्या हमें चेक नहीं दे रहे यार। आप तो बहुत अमीर हो, लोग कहते हैं आप लोग बहुत अमीर हो, आप लोगों की जरूरत नहीं। आप लोग हो अमीर, राजस्थानी हांडी जो है वो कुकटोरी हमारी, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने नोर के जो नूडल्स है उनको बॉईल करके रख लिया है, ठीक है। अब हम इसके लिए बेस बना रहे हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पे बेसन, ठीक है, इसमें लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल ठीक है और हल्दी पाउडर। अच्छा इसको आप वो नौर के जो वो है उनके साथ बनाएंगे? जी बिल्कुल। और फिर इसके बाद यहाँ पे चाट मसाला और इवन के नौर का जब आप ये पैकेट लेंगे चाहिए चटपटा, ठीक है, नूडल्स का, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक पैकेट स्पाइस का निकलेगा, बिल्कुल ठीक है, तो इस पैकेट को भी आप इवन इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बेसन के अंदर, ठीक है। आपने ये ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बेस बना लेंगे, ठीक है। बेस बनाने के बाद किसका मैसेज आना है तुम? किसका कौन मैसेज कर रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। फोन उठाया फोन था मेरा फोन तुम क्या? अच्छा तुम मेरा फोन उठाए कर रहे थे? प्लीज माया जी साइड बोल, पैसे ट्रांसफर कर रहा था। आइए हाँ जी आइए। देखे ना क्या भाई, हमारे घर में भी पकता है, को पहली बार थोड़ी देखा किचन। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं, सही अमीर लोग हैं, हमारे घर में खाना पकता है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बेस बनाने के बाद माया बस इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे और नूडल्स ऐड करने के बाद हम उसको फ्राइंग की तरफ लेके जाएंगे। और मैंने दूसरी तरफ डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ आदि वहाँ फैजान, जहाँ फैजान वहाँ माया, जहाँ माया वहाँ ट्रांसमिशन। नहीं हमें लगा वो खेल रहे हो। जलाल फैजान फैजान। अच्छा आप वैसे माशाल्लाह कितने सालों से कुकिंग कर रहे हैं? 30 साल। तो ये बताएं कि आलू मियां कहाँ गए थे? इनको तो पता होगा, बचपन से पूछ रहे सब एक दूसरे से। सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। हो जाए क्या हो जाए? यही पोएम है, ये वही पोएम। 1 2 3 आलू मियां कहां गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, गाजर ने लात मारी रो रहे थे, मटर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने बाऊ किया भाग गए थे। ये क्या बात है, ये मुझे इंग्लिश में भी आता है। नहीं नहीं, पोटैटो पर्सन वेयर डिड यू गो, इफ अ पीस इनसाइड यू नो। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, आज माफ कर दो आलू को। हाँ तो अब ये आपने देख लिया, ये मेहंदी तैयार की है इन्होंने।
ये बहुत जबरदस्त पकौड़े बन रहे हैं। अच्छा पकौड़े बन रहे हैं, ये नूडल्स के पकौड़े बन रहे हैं। नूडल्स के पकौड़े जनाब, नूडल वो लंबा लंबा? हाँ जी जी, बताया पकौड़ा कैसे खाएंगे ऐसे? अरे पकौड़े के शेप में बनाएंगे ना उसको। ये देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए आदि भाई, ये बन क्या बात कर रहे हैं ऊपर से बदतमीज। चलो अंदर जाके देखा भी है किचन के। छोटा नूडल है, छोटा नूडल असल में बॉइल होने के बाद टूट गए। ये देखो काफी शुगर लग रहे हो आप। शुगर 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 लग रहे हैं। आपका रिश्ता अच्छी है खराब होगा? अरे वो शादीशुदा है। नहीं शादीशुदा। अरे भाई आपको बहुत जल्दी है क्या शादी ढूंढने? शादी में आपकी शादी नहीं हुई? हो के फारिग हो गए सर। हो गए फारिग हो गए? अरे यार सर कह रहे हैं शादी हो गए फारिग हो गए। निकाल दिए जॉब से? पकौड़े बनाने तो यार। अच्छा ये बन रहे पकौड़े और ये बन रहे राजस्थानी हांडी। राजस्थानी हांडी तो ये यार में भी खा सकते हैं। स्पून चलाइएगा सर। जी 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 हैं जलाल भाई, देखिए आप स्पून ये पक जाए तो उसमें उसमें चलाना है। अच्छा सॉरी सर, मैं शेफ नहीं हूँ ना, मुझे क्या पता। अल्लाह का शुक्र है कि तुम शेफ नहीं हो। मेरी गुड़िया रानी। हां शुक्र है कि तुम शेफ नहीं। भाई आप मेरे साथ दे रहे हैं या इनके साथ दे रहे हैं? नहीं मुझे बताया ना जलाल भाई, ये राजस्थानी कढ़ाई जो है हाँ। ये शहर में भी खा सकते हैं? यार आप माशाल्लाह काफी जाहिल हो। माशाल्लाह काफी जाहिल हो, वाओ। आपने आपके आलूमिया को बोला कुछ? आपका भी जाहिल। और बोल कौन रहा जो अभी आलूमिया सुना रहा था इंग्लिश में? राजस्थानी कढ़ाई आप कहीं भी खा सकते हो भाई। अच्छा कहीं भी खा सकते? जी जी राजस्थान में कहीं भी। राजस्थान में भी खा सकते हैं? वेरी नाइस वेरी नाइस। तो नाज़रीन आपको खाने में क्या पसंद है आदि फैजान? आप जो मिल जाए इज्जत से, जो इज्जत से मिल जाए जिसमें मारा मारी ना हो जिल्लत ना हो वो हम खा ले। और हलाल हमें खाना मिल रहा है अल्लाह का शुक्र, इज्जत नहीं मिल रही है वो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और हलाल चाहिए हलाल। अच्छा हलाल चाहिए, सही है। आपको पता है जब मेहमान क्या हो गया? नहीं पता, आपने पूछा पता नहीं? नहीं पता ना, नहीं पता, नहीं बस यही पता करना था कि आपको पता की नहीं। सुने अगर शोरबा पतला करना हो आप बताएं, मैं हाँ, आप लोगों को हाँ, देखूं ना आप लोग कितने पानी में। जी जी। अगर शोरबा पतला करना हो तो क्या करना चाहिए? तैरना चाहिए? नहीं जी, शोरबा पतला करना चाहिए। अच्छा। कुछ नहीं पता आप लोगों को? अच्छा, आपने कहा पानी में। जगह दे दो। अच्छा, मैंने इतना चमचा हिलाया मुर्गी को चक्कर आ गए। मुर्गी सर पकड़ के बैठी बंदर, बस कर दे हिला रहा हूँ हमें काम में। आपने उल्टी तरफ घुमाई था, चक्कर सही हो जाए। मुर्गी को सही तरह से आपने चक्कर खिलाया। अरे यहाँ पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऑल पर 100% डेरी, ठीक है जी। इसको सिर्फ आप हांडी में नहीं आदि भाई, इवन के आप ब्रेड पे लगा के भी शहरी या इफ्तार में आप एंजॉय कर सकते हैं। डायरेक्ट भी खा सकते हैं? डायरेक्ट भी खा सकते हैं। ये वो वाली है जो पापू के ऊपर लगा लेते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर आप हमने उसके साथ अब अगर हनी भी ऊपर डाल ले। ओ मोपता पादियों ने मोपता। ओ जिले हाँ ये चल रहा है। उसका पेस्ट हमने यार क्या खुशबू आ रही है। खुशबू मतलब वाकई शेफ। वैसे खुशबू से तो रोजे में प्रॉब्लम नहीं होता ना? नहीं नहीं। अच्छा सवाल कर रही हूँ, अचानक से आदि फैजान आप लोग उठो और 50 करोड़ मिल जाए ना? जी जी। और तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने सारे जानने वालों का नंबर ब्लॉक करूंगा। क्योंकि फौरन उधारी आ जाते ना। बिल्कुल यार, तेरे भाई इतने दे दे लाख। हाँ बिल्कुल सही, मैं कर दूंगा। हाँ सही है। और फैजान आप? मैं वापस हो जाऊंगा। क्यों? ज्यादा पैसे से ना आपको ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, आप जवाबदेह हो जाते हैं। वाह यार देखा क्या डीप, मेरे साथ रह रहे फैजान 5 मिनट रहे। सुने कितने पैसे दे रही थी आप? 50 करोड़। 50 करोड़? 50 करोड़ को इतनी बड़ी रकम नहीं है। नहीं फिर क्या कहूँ, 50 क्या अरब खरब? हाँ 50 अरब होते हैं। हाँ चलो 50। मैं सबसे पहले 50 अरब बैंक में जमा करा दूंगा। कैसे जमा कराएंगे? वो माना आते हैं ना फिर पैसे। अरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यार, कैसे लोगे फिर? क्या क्या लोगे तबड़ी रकम को? यही होता है, बड़ा आदमी तभी बनता है जब पैसे जमा करता है। अच्छा और बताना ना पड़ेगा कहाँ से आए? बताना ना पड़ेगा कौन पूछेगा कहाँ से आए? किसी की मजाल अगर इस बात का इंसान को डर लग जाए ना कि कोई पूछेगा एक दिन ये पैसे कहाँ से आए, तो वो सारे गलत काम छोड़ दे। सही बात है। क्या बात है, मुर्गी ने मुझे वाह किया है, मुर्गी ने यूं किया वाह। एक महीने तक मुर्गी उठी कढ़ाई से, पहले करके गई वाह 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 वापस चली गई। क्या बात है। अच्छा भाई एक महीने तक कोई भी एक चीज खाने आ पड़े तो क्या होगी? बहुत सी चीज, 3-4 चीजें, लेकिन मतलब उनमें से कोई भी मिल जाए। कोई क्या है? दाल चावल। दाल चावल, अंडा पराठा। नहीं अंडा पराठा मैंने, बिरयानी। आइदर दाल चावल और बिरयानी, पूरी जिंदगी खा सकता हूँ। रियली? जी जी जी, जिंदगी और उसके बाद पराठा।
अंडा पराठा जिंदाबाद। अंडा घर का या वो पराठा? अंडा पराठा, अंडा पराठा। अंडा पराठा किसी भी फॉर्म में या वो हाफ फ्राई पराठा? हाफ फ्राई अंडा और पराठा। आप भी सेम? मैं खट्टी दाल चावल जो है ना रोज खा सकता हूँ, खट्टी दाल चावल। अगर आप दोनों की जिंदगी एक टीवी शो होती तो उसका टाइटल क्या होता? फ्रेंड्स। यार अब ये सवाल ना करना। I feel like Phoebe of the series. Exactly. नहीं नहीं यार बहुत अच्छा जवाब दिया कसम से, इतने सालों की हमारी दोस्ती, पहला तुमने अच्छा जवाब। ये टिश्यू निकाल के आधी को देना, आंसू निकल रहे हैं। आंसू नहीं निकल रहे। नहीं वैसे बहुत ऐसी खुशबू आ रही है इसमें। सही है। हालांकि पक कुछ नहीं रहा। ठीक है। इतनी जबरदस्त हांडी पक रही है और आप बोल रहे हैं कह रहे नहीं पक रहा। नहीं नहीं हमारा जो इतनी देर से पक रहा है भी होगा भाई जी। और क्या? हाँ जी कलर फैजान में इसको थोड़ा और कलर आगे फिर निकाल करो, पर्पल करना है। हां इसको कलर करो। अच्छा भाई क्या था सवाल? भूल गई। पूछे पूछे। हां जो हम चैट वैट करते हैं ना अक्सर, लोगों को इमोजी इमोजीज भेजते हैं, हग्स भेजते हैं, या कुछ ऐसे होते सारे है ना, अगर आप दोनों के हवाले से कोई इमोजी होता तो वो कौन से होते? आप कौन सा इमोजी? मैं वो वाला हूं। बताओ सर पे हाथ रखा हुआ था। कैसे कैसे रखा? सर पे हाथ नहीं रखा हुआ। मैं वो वाला। हां सैल्यूट। 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 हां बिल्कुल ठीक है। और जरा भाई आप क्या इमोशन होते अगर आप इमोजी होते तो क्या है? इमोजी होते तो मैं शेफ का कैप भी पहन लेता, ये छुरी और चमचा वो वाला होता। अच्छा मेरा होता तो कौन सा होता? आपका पता क्या होता? बना के बताना पड़ेगा क्या? आपसे पूछना, आपको पता है आपका क्या होता? नहीं नहीं तो बताएं। आपका मैं सारी शक्लें बना लूं। आपका होता रेड फ्लावर। आई अल्लाह बिकॉज़ यू आर लाइक अ रोज। रोज सुबह शाम दोपहर एवरी डे। भाई कितने पैसे दे दिए? बता दो। नहीं नहीं आप वाकई में गुलाब का फूल होती क्योंकि आपकी बातों में से जो खुशबू आती है उससे अगले का दिल जो है वो खुश हो जाता है। इसके बेहोश होने का वक्त हो गया भाईजान। बाकी चैनल भी देख रहे हो ना, ये वाली बातें भी कर लेता हूँ मैं। सच्ची में हम आपके गेस्ट भी और हम नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। जी 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 वरना मैं ऐसी बात करता आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। जिंदगी में कभी नहीं सुनी मैंने। वो गमला बनाना था, दरख्त बनाना था। मुर्गी बोली बस करें हिलाना। नहीं आप जब बोलेंगे। मैंने मुर्गी को इतना हिलाया दो दिन तो सो गई है। ऐसे बच्चे को नहीं करते थे। लोरी लोरी देती है। ठीक है। अच्छा फैजान अगर फ्रीकी फ्राइडे लाइफ में आ जाए, फ्रीकी फ्राइडे लाइफ में आ जाए और अचानक से माहम आप और आप माहम बन जाओ। नहीं भूले मुश्किल काम है, है? हाँ, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। हाँ, ख्वातीन जो है ना बहुत मेहनत करती हैं, चाहे वो वर्किंग घर में हो चाहे बाहर हो। तो मुझे एक रात पहले फैजान के गेस्ट सारे थे तकरीबन 70-100 के करीब। ओह यस। और आप सुबह उठे और आप महम बन गए एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिस्पांसिबिलिटी। तो बस फिर करेंगे और क्या होगा? से भागते नहीं है। हाँ, मेहनत तो कर लेते हैं। बना बना लेते हैं कुछ किचन में। लो, आप हमें टुच्चा समझ रही हैं? नहीं। सुनो देखो। नहीं 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 मैं वाकई कढ़ाई शढ़ाई बना लेता हूँ। हाँ वाकई में। फिर हम कब आएं दावत? नहीं अब फ्री ना हो ना, आपने सवाल पूछा आप फ्री हो गए आप आएंगे। मैं तो होंगी। नहीं नहीं जब दिल चाहे। मेरा तो पूरा हक है। जब दिल चाहे आप आओ, इंशाल्लाह हम आपको नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा ये जो उतार उतार के तुम पर निकाल रहे हो क्या? मेरा फोन आया। हेलो ये होता है दिमाग पे दाना जब यार दाने दाने आपने उससे तो पूछ लिया कि उठे होगे तो मुझसे भी तो ऐसा कोई सवाल। तुम्हें क्या बनाए? अगले दिन उठो तो माया खान हो, क्या करोगे? आ जाओ आ मिला घुमा मांगो भाग गए ना अब करो जाओ। मैं अगर उठा और मैं माया खान हुआ बताओ सबको दुनिया को आज बता दो। मैं उठूंगा तैयार हूंगा क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन पे जाना होगा। ठीक है मैं वहां जाऊंगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह अगर आपने मुझे बदल भी दिया तो एक अच्छे इंसान में बदला। क्या बात ये जाते जाते रोना नहीं माया टिश्यू दूं? माया टिश्यू ये जाते 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 पैसे बढ़वा लेगा। नहीं टिश्यू नहीं। ओ माया तो अभी आ पाए के ले। वेरी गुड यार आदि वेरी गुड। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं माया बन सकूं लेकिन डॉक्टर ने कहा पॉसिबल नहीं है। मैं इमोशनल हो गई हूं बहुत आज। एक दवा बीच में मुझे मिले मेरे पास आए कह रहे आप मैं अच्छा लड़का हूं। मैंने कहा मुझे पता है आप इसलिए नहीं मिलती कि मैं अच्छा लड़का हूं। नहीं आप मुझे क्यों नहीं नहीं लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। जी जी आप लोगों ने तो हमने भी जाहिर सी आप लोगों ने माया जी को देखा है। कभी ऐसा हुआ है कि इनकी एनर्जी में कोई कमी हो इनकी मुस्कुराहट में कमी हो और पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और ये जो हम मुरव्वतन कहते हैं ना दूसरों को यार वक्त के साथ साथ आपकी एज आगे नहीं बढ़ी। मेरे ख्याल से ये हम सब ने टीवी पे देखा है कि माया जी की जो एज है वो रिवर्स में जा रही है। इंशाल्लाह कल आपका स्कूल में एडमिशन करा रहा हूँ। इंसान के बच्चों की तरह रहना है वहाँ। तो क्या? God bless you guys.
आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम. आदि फैजान सब एक्सेल प्रेजेंस बनाने रहमत पावर बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बाय कर्शी एंड आई लव यू ऑफ कोर्स. और मिलते हैं इंशाल्लाह सफे के बाद. रहेगा हमारे साथ.